ये एल्सा पैरी और स्मृति मंधाना दोनों मैदान में मैच रेफरी हमारे मैच रेफरी देखो ये है टेल्स ये है हेड कॉइन दिखाओ ये आ गया टेल्स ये हेड अब आप मुझे बताओ आपको दोस्तों ये है पिकनिक विद फैमिली व्लॉग का पार्ट टू और आज इस वीडियो में आपको दिखने वाला है जैसे कि आपको पता है हम पिकनिक पे पूरी फैमिली के साथ जा रहे थे और लास्ट वीडियो में आपको पार्ट वन में दिख रहा था कि हम कैसे गाड़ियों में आए कैसे क्या क्या हुआ था बट इस वीडियो में आपको मिलेगा हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और एंड में जहां हमने जाना है अपनी डेस्टिनेशन पे वहां हम कैसे एंजॉय करते हैं सारी इस वीडियो में मिल जाएगा बस उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना पड़ेगा तो लेट्स स्टार्ट बॉल कहां से लिया कैसे चलेगा मैं उठा लेता हूँ नोवरी ये वाला पकड़ ले प्लीज मैं उठा लेता हूँ अच्छा अपनी था मैं वो नहीं 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 सुन दे मेरे को एक साइड मेरे को दे ना यार चलो ठीक है वो थक गए हम लेकिन क्या करें ऊपर तक पहुंचना है अनमोल भैया काफी परेशान है लेकिन डेस्टिनी पे तो पहुंचना ही पड़ेगा और देख सकते हैं किस तरीके का घना जंगल है यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और स्पेशली अभी ये भुट्टे के पेड़ नहीं पौधे लगे हुए हैं तो यहाँ लोकल्स कुछ घर हैं काफ़ी जगह के बाद कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ अब देख रहे हैं नीचे जंगल के बीच में घर हैं तीन चार घर हर जगह बीच में हैं ऐसे पर जाना काफ़ी दूर है अभी हमें होप सो अच्छे से पहुँच जाए और स्पेशली हमारे साथ जो ये महारथी हैं जो कह रहे थे मैं सबसे पहले आगे आगे पहुंचूंगा ट्रैकिंग का नहीं बोला ये कभी तू ऐसे मत बोल तो आप बोल तो रहे थे कि ट्रैकिंग का मुझे बहुत शौक है शौक बोला हाँ ये नहीं बोला अच्छा और ये मैडम ये देखो ये तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई टेंशन ही नहीं है ओहो अंकल जी आप बताएं कुछ अपना एक्सपीरियंस लेकिन सबसे आप इसलिए पीछे पीछे चल रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है मेरा जमाई और मेरी बेटी पीछे ना रह जाएं सही है सबको ऐसे ससुर मिले देखो मेरे ससुर को मेरी फिक्र ही नहीं है वो सबसे आगे है उनको पता मेरा जमाई आ जाएगा ठीक घना जंगल ये टिटर की आवाज टी हाँ तो यहाँ ही करते हैं और कहाँ करेंगे ये घने जंगल और ये कौन से दरख्त होते हैं ये चीड़ के पेड़ और नहीं तो क्या आप दोनों को पीछे से मैं शूट किए जा रहा हूँ क्या है आगे हाँ रेस्ट करो हाँ भैया चलते हैं यार दीदी आप अपने पति की जितनी शूट करो वीडियो चलना है उन्होंने उसी हिसाब से है फॉलो हर तो काफी देर बाद सफर करने के बाद पहाड़ी चढ़ने के बाद कुछ लोग अपने मिले हैं जो हमसे बिछड़ गए थे वो वनीत सामने दिख रहा है सीटियां मारता हुआ टेंगो चाली की तरह चल पा रहे हो ये क्या फिर ठीक है पहुंच जाओगे ऊपर से आसान है ऊपर से बड़ा इजी है धक्का मारना है एक बंदे को तो भाई आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से सारे लोग ऊपर जा रहे हैं थक गए हैं क्योंकि रास्ता काफी लंबा है ऊपर तक हमें सोचा था सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा लेकिन यार कम से कम पौना घंटा हो गया हमें चलते चलते लेकिन अभी हमें अपनी डेस्टिनेशन नहीं मिल रही है तो चल रहे हैं देखते हैं कितना चलना है अभी हम मेरे पीछे आप देख सकते हो थक गए लोग बीच में वहां रेस्ट भी कर रहे हैं पर क्या करें पहुंचना तो है ऊपर और कुछ सामान भी हमारे पास है क्योंकि खाने पीने का सामान हम साथ में लेके आ रहे हैं कुछ चावल और कुछ चिकन वगैरह लेके आए थे जो हमें ऊपर ही बनाना है तो देखते हैं कैसा पूरा मजा रहने वाला है आज का इसके हाथ में नहीं आ रही खाएगा
सोनू ये क्या शर्ट खोल नहीं पड़ी ये तब से इधर ही बैठे हैं अभी तेल ही पीछे है। ओह ओह सीनियर लोग भी है साथ में चलना नहीं मर रहा इनसे तो पानी है ना यहाँ पे यहाँ से पानी लेंगे अब हम चावल भूल गए थे नीचे से लाने पड़े तेल भूल प्याज टमाटर है तेल भूल गए थे हम तेल तो गाइज हम ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनी के बिल्कुल नजदीक हैं एक घंटे से भी ज्यादा हमें पैदल यात्रा करनी पड़ी तब जाके यहाँ पे पहुंचे आप देख सकते हैं हालत सबकी टाइट है कुछ लोग तो पीछे ही रह गए हमारे ग्रुप के टोटल 18 लोग थे हमें लगता है हम सिर्फ 7-8 लोग ही इधर है 10 लोग अभी पीछे हैं आप देख पा रहे हैं अभी भी थोड़ा जाना है लेकिन कम से कम इंडस्ट्री दिख रही है बड़ी अच्छी जगह है आप देख सकते हैं थोड़ा जूम करके दिखा सकता हूँ आपको यहाँ काफ़ी प्लेन है ऊपर दिखाते हैं आपको ऊपर बने रहे वीडियो में मामा जी यहाँ पे बिल्कुल किट शिट पहन के आए हैं और बैडमिंटन उनके कंधे पे है ये हमारा सामान खाने पीने का हालत देखो इसकी कौन सा मेकअप लगाती है उतरता ही नहीं है तारीफ ब्रांडेड ब्रांडेड देखा ये हैं हमारे सोनू जी हालत काफी टाइट हो गई लेकिन ओहो द मैन ऑफ ऑनर इज हियर ओहो जिनकी हवा काफी टाइट हो चुकी है साथ में उनके ससुर आगे आगे अपने जमाई को पीछे से खींचते हुए आ रहे हैं और बीवी पीछे से वीडियो शूट करते रहते हैं अपने पति की वीडियो शूट करते हुए हाय 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 वाह 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 अंकल जी किसको आवाज लगा रहे हो बीवी को अच्छा अपने बीवी को है वाह रेंगते रेंगते ओह 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 बस दो दिन इधर ही रुक जाते हैं ना मैं तो बोलता हूँ कल चलते हैं यहीं सोते हैं यही सोते हैं ना आज रात को ठंड से मर जाएंगे पता है कुछ नहीं हो जाएगा चिपक चिपक के सोएंगे सारे ठंडी लेगी फिर नीचे उतरना शुरू करेंगे फिर से गर्मी लेगी वहीं सो जाएंगे हाय 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 देखना अब इनकी स्माइल देखना दोनों की रुकेंगी नहीं ओ शर्मा गए आगे तेरे ने पूरे सर पे मल दिया मन्नू हेलो आए मन्नू सोच रही है शादी से पहले मेरा कोई मजाक नहीं उड़ा था अब मेरी भी बारी आ गई फंस गई मैं कहा तो फाइनली गाइज हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और आप देख पा रहे हैं जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे हैं अभी हम हैं जंत्रोन टॉप में सबसे ऊंची जगह पे और यहाँ के व्यूज भी मैं आपको दिखाऊंगा पर आते ही सारे लोग यहाँ पे अपने अपने काम में लगे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे मामा जी सोनू या आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं पीछे सुभाष मामा लकड़ियां काट रहे थे क्योंकि काफी लेट हो गया है हम लोगों को तो यहाँ पे अभी हमने खाना भी बनाना है उसके बाद इंजॉय करना है बेडशीट वगैरह बिछा रहे हैं ताकि बैठ के हम यहाँ पे कुछ गप्पे वगैरह कर सके और तो खाने पीने की चीजें सारी हमारे साथ हैं तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और ये व्यूज आप देख ही सकते हैं किस प्रकार के खूबसूरत व्यू है यहाँ पे वाव तो दो हमारे कैप्टन सिलेक्ट हो चुके हैं वो है एक वर्षा काव और दूसरी है अंजु कुमारी तो दो कैप्टन आप अपने अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे चलो फर्स्ट चॉइस इन्होंने एक प्लेयर अनमोल आर्या को चूज कर लिया है सेकेंड प्रमीत को इसने सेलेक्ट कर दिया मतलब माइसेल्फ अब नेक्स्ट उसके बाद कौन चाहिए अब विशाल का हो विशाल भैया आप इनकी टीम में हो आपका कौन है इसकी टीम में सुभाष मामू इम्पोर्टेंट प्लेयर हमारी टीम में आ चुका है आप इनकी टीम में हो अंजू की टीम में एल्सा पैरी और स्मृति मंधाना दोनों मैदान में मैच रेफरी हमारे मैच रेफरी देखो ये है टेल्स ये है हेड कॉइन दिखाओ ये आ गया टेल्स ये हेड हेड अब आप मुझे बताओ आपको टेल्स चाहिए कॉल कौन करेगा आप कॉल करोगे आपको फ्लिप करना है ठीक है ऐसे ऊपर लो यहाँ से फेंको फ्लिप करो ऐसे ऊपर फेंको वो कॉल करेंगे हेड
घुमा ही नहीं, नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, ये टॉस जीत गए हैं लेकिन हमारी टीम अभी। अच्छा आप बॉलिंग करोगे बैटिंग? बैटिंग नहीं, मैंने सुना आप बॉलिंग करोगे। यहाँ दंगल नहीं चल रहा है। ये होटल पे हंसी है तो हम यहाँ पे पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। काफी टाइम लग गया हमें क्योंकि चढ़ाई बहुत थी, हम चढ़े ही नहीं है काफी देर से ना, पर फाइनली हम पहुँच गए। पर यहाँ का व्यू इतना ब्यूटीफुल है ना, हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना मजा आया, ऐसा लग रहा है कि हम यहीं पे रहे हैं। हम चार टोटल है, मतलब इतना अच्छा व्यू लग रहा है। और मतलब इतनी धूप पड़ रही है पर फिर भी हमें मतलब गर्मी नहीं लग रही है, कुछ नहीं है, क्योंकि इस धूप में मतलब इतना जादू है कुछ हवा का, ठंडी हवा का, कि मतलब वो अपनी ओर हमें खींच रहा है। अब ये मेरे पीछे बादल देख रहे हो, क्या सीन है, क्या सीन है। और यहाँ पे हमें अभी एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा खेल रहे थे कि हम क्रिकेट खेलेंगे। काफ़ी टाइम के बाद हम बचपन में मतलब बचपन की यादें जो है वो ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि हम बचपन में खेलते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारा काम, वर्कलोड, प्रेशर, एंड उसमें एक इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकालना अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है। सो इस दिन को मैं इंजॉय कर रही हूँ और अपने कैमरे में कैप्चर कर रही हूँ, ताकि ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ओह माय गॉड, जन्नत जन्नत। और ये मेरे अभी हस्बैंड अभी यहाँ पे खेलते हुए, जो जिन्होंने वाइट टी शर्ट पहनी हुई है, ये ही इज़ द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड मेरे लिए स्पेशली। बहुत बहुत मैं इनसे हूँ, मुझे इस बात का प्राउड है कि ये मेरी लाइफ में है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो गाइस इस वक्त मैं हूँ जंत्रोन धार में, इंजॉय कर रहा हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ आया हुआ था, आप देख सकते हैं व्यूज़ कुछ इस प्रकार के। तो दोस्तों काफ़ी देर क्रिकेट खेलने के बाद और हमने खाना वाना यहाँ पे खाया, काफ़ी इन्जॉय किया, पूरा घूमा आगे पीछे। तो फाइनली अब टाइम थोड़ा शाम का हो रहा है और हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, सारे लोग नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी चीज़ें समेट रहे हैं एक जगह पे, और कुछ अभी भी यहाँ पे क्रिकेट शो की ही क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अब जाने की थोड़ी तैयारी हो गई है, डिसाइड कर रहे हैं क्या एक मैच और खेल लें सारे फैमिली मिलके, लेकिन शायद अब पॉसिबल नहीं होगा, तो धीरे धीरे हमें जाने की कोशिश करनी है। तो आप देख ही सकते हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं और इंजॉय इतना करते जा रहे हैं यार, जगह इतनी खूबसूरत थी क्या बताऊं। आप देख रहे हैं किस किस प्रकार के गिरते हुए मामा जी, और क्योंकि काफी ज्यादा ढलान है यहाँ पे और इतना साफ है, घास छोटी छोटी इतनी ग्रीन घास है और ठंडी हवाएं चलती हैं, मतलब थोड़े से बादल आ गए थे तो ऐसा लग रहा था कि ठंड लगने वाली है यहाँ पर। तो गाइज अब हम यहां से वापस जा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता किसी का भी यहां से जाने का मन है, क्योंकि इतना ज्यादा मजा आया यार। और आप नीचे देख सकते हैं कैसे इंजॉय करते करते यहां से नीचे लोग वापस जा रहे हैं, तो इतना मजा यहां पे किया है, किसी का भी मन वापस जाने का नहीं है, पर क्या करें टाइम थोड़ा लेट हो रहा है, अब हमें यहां से निकलना होगा। तो जाते जाते एक फैमिली के साथ पूरी फुल सेल्फी लेंगे जिसमें सारे लोग आएंगे, तो आप देख सकते हैं ऊपर से आ रहे हैं, कुछ नीचे चले गए हैं, तो मैं कोशिश करता हूं जल्दी से नीचे जाने की और सबके साथ एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं और फिर इस व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गॉड्स।
चैनल पे।